एवरीवन नमस्कार। 2022 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है या फिर जब तक आप वीडियो देख रहे हो खत्म हो चुका होगा एंड 23 में हम एंट्री करने वाले हैं एंड इस एरा में या फिर 2023 में बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि वो प्लेसमेंट पा चुके होंगे, इसके अलावा उनकी एज भी हो चुकी होगी। एंड अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो या फिर अगर आप सच में किसी क्रेडिट कार्ड को इशू करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो मे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 क्रेडिट कार्ड के बारे में जहां पर आपकी ज्वाइनिंग फी जीरो रहेगी, एनुअल फी भी जीरो रहेगी। जीरो क्यों जीरो? क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर आपको ज्वाइनिंग एंड एनुअल एवरेज ₹500 मिनिमम देने पड़ते हैं। इसके अलावा आपकी डाइनिंग पे, आपकी ट्रैवलिंग पे अगर आप फ्यूल भरते हैं तो उस पे, एंड इसके अलावा मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा कैशबैक या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले। इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसे टॉप 5 क्रेडिट कार्ड को चूज किया है जिसमें आपको फायदा मिल सकता है क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं बेनिफिट्स के लिए। और इसके साथ ही साथ आपको क्रेडिट कार्ड पर ना 20 से लेकर 50 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल जाता है जिसे आप 20 से 50 दिन के बाद पे कर, जो कि क्रेडिट कार्ड का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज भी माना जा सकता है। लेकिन उन क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जानने से पहले आई विश कि आपको क्राइटेरिया के बारे में पता होगा किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि आपका एज 23 या फिर 18 प्लस आपका एज होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए एंड साथ ही साथ आप एक सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। एंड आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी एनुअल इनकम मोर देन 3 लाख रुपीज़ होनी चाहिए तभी आप एक अच्छे क्रेडिट कार्ड को इशू करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है वो है HSBC वीज़ा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड आपको ट्रैवलिंग पे, डाइनिंग पे एंड इसके अलावा शॉपिंग पे भी आपको अच्छा खासा रिवार्ड्स वगैरह दे सकती है। यहाँ ज्वाइनिंग फी जीरो है एंड साथ ही साथ एनुअल फी भी जीरो है। एनुअल फी क्या होता है? हर साल आपको 500 से 600 रुपए आपको जो फ्रेंड्स जस्ट एक मेंटेनेंस फी देना होता है क्रेडिट कार्ड। इवन HSBC वीजा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको एक वेलकम बोनस भी है। एंड ये वेलकम बोनस आपको कैसे मिलेगा? जैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड इशू होता है विद इन 30 डेज अगर आप 500 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपये अमेजोन वाउचर मिलता है जिसे आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। बहुत ही फायदेमंद एक कूपन है। अच्छा, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के साथ रिलेटेड किसी क्रेडिट कार्ड को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के साथ रिलेटेड जो भी क्रेडिट कार्ड है उन्हें लेकर अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग के लिए जाते हो, लेकिन अगर आप रिलायंस डिजिटल जाते हो या फिर टाटा की जो एक ऑफलाइन स्टोर कंपनी है वहाँ पर भी अगर आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो यहाँ पर ना आपको वो ऑफर्स नहीं देंगे। दैट मीन्स कि आप उन स्पेशल ऑफर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हो जो कि स्पेशली हॉलीडेज में आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइक न्यू ईयर हो या फिर 26 जनवरी हो या फिर होली हो, होली में तो नहीं मिलता है, हाँ दिवाली हो या फिर 15 अगस्त हो, इन सब में जो भी आपको ऑफर्स मिलते हैं लाइक 10% का कैशबैक या फिर 15% का कैशबैक, ये सारी कैशबैक जो है आपको नहीं मिलता है। दैट्स वाई हम अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट के रिलेटेड किसी क्रेडिट कार्ड को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इन सब को साइड करते हुए हम अगेन बात करते हैं हमारे HSBC प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में, वीजा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज करते हो एंड लेट गेस कि अगर आप बहुत ज्यादा शॉपोहॉलिक हो, अगर आप शॉपिंग करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको शॉपिंग पे अप टू 10% तक का कैशबैक मिल सकता है। तो वो कैसे? तो फ्रेंड्स अगर आप 2 महीने में मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन कर लेते हो एंड आपके 5 ट्रांजेक्शन की वैल्यू मोर देन 10,000 होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 10% तक का कैशबैक मिल सकता है अप टू 2,000 रुपीज। एंड अगर आप मूवीज वगैरह देखना पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए ना 500 रुपीज का बुक माई शो का भी कूपन कोड रखा गया है अगर आप एनुअली मोर देन 50,000 की स्पेंडिंग करते हैं यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड तो आपको यहाँ पर 500 रुपए का बुक माई शो का कूपन कोड भी मिल सकता है या फिर आप वाउचर समझ लो आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है एट एनी पेट्रोल पंप जो कि 400 से लेकर के 4,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर आपको। इसके अलावा अगर आप इनके 1,000+ रेस्टोरेंट्स में जो कि इनके पार्टनर रेस्टोरेंट है वहां पर अगर आप डिनर करते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर आपको 15% तक का कैशबैक या फिर रिवॉर्ड्स वगैरह मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कि 1,000 वो भी मेजर सिटीज में।
एंड नॉर्मल शॉपिंग्स पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो 150 के स्पेंडिंग पे आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं एंड हर एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू अराउंड 25 पैसा होता है। बट अगर आप एनुअली 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको 5000 रिवार्ड पॉइंट्स तक मिल सकता है। एंड अगर हम इस क्रेडिट कार्ड की स्पेशल फैसिलिटी की बात करें तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई मिसयूज करता है या फिर अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी चोरी हो जाता है तो यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी मिलती है, फिर इंश्योरेंस मिलता है आपके उस क्रेडिट कार्ड पे, जो कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मानी जा सकता है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने का मेन क्राइटेरिया है कि आपकी एनुअल सैलरी मोर देन 4 लाख रुपीज होनी चाहिए, इसके अलावा एज आपका 18+ या फिर 23+ होना चाहिए। एंड साथ ही साथ ये क्रेडिट कार्ड हर एक सिटीज पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ ये क्रेडिट कार्ड आपको सिर्फ और सिर्फ इन सिटीज में ही आपको अवेलेबल मिलेंगी। सो अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रही है। इसके अलावा हमारे लिस्ट का जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है वो है कोटक फॉर्च्यून गोल्ड क्रेडिट कार्ड। एंड ये क्रेडिट कार्ड मेनली एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटीज के लिए ही बनाया गया है, जो कि मालिक बनना चाहते हैं या फिर जो कि एक ऑनर है किसी कंपनी के बड़े बड़े लेवल पे। इस क्रेडिट कार्ड की भी ज्वाइनिंग फी 0 है एंड एनुअल मेंटेनेंस भी 0 है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर हम फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करें तो फ्रेंड्स 500 रुपए से लेकर 5000 के ट्रांजैक्शन में आपको फ्यूल सरचार्ज का वेवर मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड की वजह से आपको 4 फ्री पीवीआर के टिकट्स भी मिल सकते हैं। पीवीआर दैट मींस कि जहां पर मूवी देखने जाते हैं। अगर आप एनुअली 1.5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन या फिर शॉपिंग करते हैं यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड तो। एंड कोटक फॉर्च्यून क्रेडिट कार्ड ना अकाउंट थेफ्ट के ऊपर 50,000 रुपए तक का सिक्योरिटी या फिर इंश्योरेंस आप बोल सकते हो कि ये दे रही है। कि रॉन्ग ट्रांजेक्शन के विद इन 7 वर्किंग डेज जो है आपको इन्हें रिपोर्ट करना होता है। क्राइटेरिया की अगर बात करें तो फ्रेंड्स मेनली ये प्रोफेशनल्स के लिए है एंड आपके रेवेन्यू एनुअली 3 लाख+ होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ ये क्रेडिट कार्ड भी आपको सिलेक्टेड सिटीज में ही आपको ये फैसिलिटीज देती है। इसके बाद हमारे लिस्ट का जो तीसरा क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको एक्स्ट्रा सिविल स्कोर की भी जरूरत नहीं है। हमारे लिस्ट का जो तीसरा क्रेडिट कार्ड है वो है एक्सिस बैंक का इंस्टा इजी क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कुछ बड़े से सिविल स्कोर की भी जरूरत नहीं है। आपको यहां पर 15% तक का डाइनिंग कार्ड डिस्काउंट या फिर आप कैशबैक जो भी आप समझ लो ये आपको मिल रहा है एंड बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रही है। सबसे पहला प्लस पॉइंट कि आपको यहां पर 0 ज्वाइनिंग फी देना पड़ता है एंड साथ ही साथ 0 एनुअल मेंटेनेंस फी। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड का जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका एक एक्सिस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एक मिनिमम 20,000 रुपीज़ की ना एक FD भी होनी चाहिए। जी हाँ, तो आप समझ सकते हो कि ये एक फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। एंड अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत ठीक ठाक नहीं है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू से आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर भी स्ट्रांग होता रहता है। सो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप अपने लिमिट्स को सेट कर सकते हैं। आप 20% रखें, 30% रखें या फिर 50% रखें, ध्यान रखिएगा क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर स्ट्रांग उसी का बनता है जो कि अपने क्रेडिट लिमिट का जस्ट 30% ही यूज करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, साथ ही साथ 15% का डाइनिंग डिस्काउंट भी मिलता है। डाइनिंग डिस्काउंट मीन्स अगर आप डिनर वगैरह करते हो या फिर लंच करते हो वो भी इनके सिलेक्टेड रेस्टोरेंट पे, तो यहाँ पर जो है आपको 15% का कैशबैक या फिर डिस्काउंट भी मिलता है। एंड लेट गेस कि आपने कार्ड हजा दिया तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप एक दूसरा क्रेडिट कार्ड भी इस बैंक से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके FD के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको फ्यूल सरचार्ज मिलेगा 1% का, साथ ही साथ आपको डाइनिंग पर 15% तक का डिस्काउंट एंड साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर भी स्ट्रांग होता जा रहा है। बहुत सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे लिस्ट का जो चौथा क्रेडिट कार्ड है वो है ICICI बैंक का प्लैटिनम चिप क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस आपको 0 लगता है, एनुअल फीस भी 0 है। इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू से अगर आप इसके सिलेक्टेड 2500 रेस्टोरेंट्स में अगर आप डाइनिंग दैट मीन्स कि डिनर या फिर लंच करते हो तो यहाँ पर आपको 15% तक का डिस्काउंट या फिर कैशबैक मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 12 मेजर सिटीज में ये फिलहाल अपनी फैसिलिटीज रेस्टोरेंट वाली फैसिलिटीज दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है अप टू 5000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन पे एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ HPCL के पेट्रोल पंप पे। एंड अगर आप इसके क्रेडिट कार्ड को यूज करके ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी अगर आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर आपको 2 payback points मिलता है। एंड अगर आप यूटिलिटीज या फिर इंश्योरेंस की पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको 1 reward points मिलता है। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपका एज मिनिमम 23+ होना चाहिए एंड साथ ही साथ आप एक सैलरीड या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होनी चाहिए जिसकी एनुअल इनकम मोर देन 3 लाख रुपीज होनी चाहिए। इसके बाद हमारे लिस्ट का जो फिफ्थ स्पेशल क्रेडिट कार्ड है वो है SBI का SBI उन्नति क्रेडिट कार्ड।
इसके अगर हम ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फीस की बात करें तो फ्रेंड्स ये एनुअल फीस आपको 4 साल की बात लेंगे, दैट मीन्स कि 4 साल तक 0 एनुअल फीस। इसके अलावा अगर हम इसकी ज्वाइनिंग की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 0 है। एंड इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज के स्पेंडिंग पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसके अलावा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है 500 से लेकर 3000 तक के ट्रांजेक्शन पर। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके एनुअली 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन या फिर शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपए का कैश बैक मिलता है। एंड लेट गेस कि आपने जो है एक पहला या फिर दूसरा या फिर कोई भी एक ट्रांजेक्शन 2500 रुपए से ज्यादा का कर लिया है एंड आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है तो अगर आप चाहें तो इस 2500 से ज्यादा का जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को आप फ्रैक्शन में भी पे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ EMI। तो ये भी आपको एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये फैसिलिटीज अडॉप्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक प्रोसेसिंग फी एंड साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू से आपको अप टू 25 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें ना फ्रेंड्स तो थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपकी एक मिनिमम 25,000 रुपीज की ना एक फिक्स डिपॉजिट होनी चाहिए इन द SBI बैंक। दैट मीन्स कि अगेन ये भी एक फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट हिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, यही वो टॉप 5 क्रेडिट कार्ड्स है जहां पर आपको 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ साथ 0 एनुअल फीस एंड बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट्स मिल रही थी विद लू क्राइटेरियाज के साथ। आशा करता हूं कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी टाइप की कोई भी क्वारी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें जो कि हमें हेल्प करेगी इंप्रूव करने में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।